हे एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो जब से ये नीट 2021 के पोस्टपोनमेंट की बातें चल रही है और जब से ये नीट 2021 के बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल कॉन्टिन्यूस चल रहा है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन नीट 2022 ऑफ दिस करंट सिनेरियो। तो यार, सिचुएशन तो बहुत गंभीर है और आपको पता भी है कि बोर्ड्स वगैरह कैंसिल कर दिए गए हैं। मे बी नीट 2021 पोस्टपोन्ड होकर चला जाए अगस्त की बजाय सितंबर में, हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज उस पर आई नहीं हुई है, ठीक है। सो आपके नीट 2022 पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोगों को रखनी चाहिए, तो दो तीन पॉइंट्स यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम या ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन और पेपर बेस्ड होगा। सो 95% चांसेस हैं ऑनलाइन होगा। अभी एनटीए के पास रिसोर्सेस नहीं थे, चाहते तो वो 2021 को भी ऑनलाइन करवाते, बट उतने ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से और कई सारे गांव में, कई सारे इंटीरियर जो प्लेसेस हैं वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ऑफलाइन अनाउंस किया गया है। तो आप ये मान के चले कि नीट 2022 जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, और अगर ऑनलाइन हो सकता है तो आपको एडवाइस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करें। एक नई टेस्ट सीरीज 8 जून से, यानी कि अगले मंगलवार से, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही है, कंप्लीटली फ्री है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप जितना चाहे कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपका नीट का एग्जामिनेशन है वो एक बार की बजाय दो बार हो सकता है, ठीक है, एक बार की बजाय दो बार हो सकता है, ट्वाइस इन अ ईयर। लाइक जैसे आपका जेई होता है, बिल्कुल उसी तरह से जेई अभी आप लोगों को पता है कि चार बार अनाउंस किया हुआ है। अब नीट नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है कि दो बार हो सकता है। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उन इंटरनल सोर्सेस के बेसिस पर मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ अंडर डिस्कशन है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ट्वाइस इन अ ईयर जब होगा, जब ये दो बार होगा, तो एक बार हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए कि फैब में, ठीक है, एक बार आपका हो जाएगा इन द मंथ ऑफ फैब और एक बार हो जाएगा आपका वही मई या फिर जून में। बच्चों, एक आपका हो जाएगा फैब में फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर दो लेने हुए तो एक हो जाएगा जैसे जेई मेन का पहला अटेम्प्ट जब होगा ना उसी के साथ साथ आपका हो जाएगा, और दूसरा होगा जून एंड तक या जून में। बच्चों, दिस इज योर सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि आपका नीट दो बार, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मुझे पता चली है, जिन पर अभी डिस्कशन चल रहा है, कुछ साउंड रिजल्ट्स इन पर आ सकते हैं आगे, जब आ जाएंगे तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लियर होगा कि ऑनलाइन होगा, दूसरा आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट करने चाहिए, तीसरा यहां पर यह है कि आपका जो एग्जाम है वो दो शिफ्ट में हो सकता है, यानी कि दो बार हो सकता है, ट्वाइस इन अ ईयर हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जितने बच्चे बोर्ड्स के साथ नीट लिखने वाले हैं, बोर्ड्स के साथ नीट लिखने वाले हैं बच्चों, तो जो बोर्ड्स होंगे, जो आपके बोर्ड्स हैं 2022 के, ठीक है, वो यहां पर मॉडरेट होंगे या बेसिक लेवल के होंगे, आप ऐसा कह सकते होंगे बच्चों, ठीक है, बेसिक लेवल पर होंगे, नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा आपको जो है क्रूशियल एग्जाम के लिए यहां नहीं सोचना, जैसे बहुत टफ पेपर आ जाते हैं ना बोर्ड्स में, वैसा नहीं होगा, पेपर इजी बनेंगे 2022 का जो बोर्ड्स होगा उसके पेपर्स, ठीक है, तो इजी पेपर बनेंगे, तो आप अभी से पूरा फोकस नीट के लिए कर सकते हैं। एक और यहां पर बात यह है कि जो आपका नीट 2022 का जो पेपर होगा बच्चों, नीट 2022 का जो पेपर डिफिकल्टी होगा, ठीक है,
जो आपकी पेपर डिफिकल्टी होगी वो सम हाउ कहीं ना कहीं ईजी होगी। ठीक है, पेपर डिफिकल्टी पर अगर हम बात करें तो वो ईजी होगी जैसा कि नीट 2020 में था, और सेम ईजी लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2021 में भी। यानी कि वो बच्चा यहां पर अपनी बाजी मारेगा जो सारा सिलेबस कंप्लीट करेगा और इफेक्टिव रिविजन्स करेगा। ठीक है, अब ये यहां पर चार बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी है। सो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई दो बार हो सकता है, तो एक फरवरी में हो सकता है, और अगर फरवरी में होगा तो सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है अपना पूरा 11th और पूरा 12th। एक अपडेट ये है कि ऑनलाइन हो सकता है, तो जितने ज्यादा हो सके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप प्रैक्टिस करें। एक आपका जो बोर्ड्स है उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा रिड्यूस होगा, उतने क्रूशियल नहीं होंगे जैसे हर बार हुआ करते हैं, तो थोड़ी सी यहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। एंड आपका जो नीट 2022 का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल भी इजी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी, क्विक अपडेट था एक आप लोगों के साथ शेयर करने का। और भी नीट 2022 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स पता चलती चली जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊंगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मचाकर तैयारी करते रहें। जितने बच्चे अभी 12th में हैं वो संजीवनी को फॉलो कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी नीट के चैनल पे चल रहा है। एंड अगर आप 11, 12 दोनों को सुपीरियर लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पर यूजिंग कोड MSLIVE संजीवनी के लिए एनरोल कर सकते हैं, वहां से आपका 22 दिसंबर कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी छोटी छोटी अपडेट्स आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा की तरह मचाते रहिए। टेक केयर।